मॉर्निंग बच्चों, चैप्टर 13 दावत की अदावत जो हम पढ़े थे उसका जो आधा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के थे, आज हम आगे करेंगे। देखो, सही कथन के आगे टी सही तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान हमें लगाना है। धूल मैदे की तरह बारीक होने के कारण हवा से बाजी मारती थी। रॉन्ग है या राइट? राइट। घर पर खड़े होकर लेखक ने खुद को झाड़ फटकारा। रॉन्ग है या राइट? रॉन्ग। वो जो बाग के सामने पहुंचकर लेखक को उसके मित्रों ने बधाई दी। रॉन्ग है या राइट? रॉन्ग। मुरारी और मोहन में आसन लेकर बहस हो रही थी। रॉन्ग है या राइट? राइट। लेखक अपने मित्रों को अस्पताल ले गए। रॉन्ग है या राइट? रॉन्ग। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखो, लेखक को उनके साथियों ने कितने बार तथा किस प्रकार मूर्ख बनाया था? लेखक को उनके मित्र ने 3 बार मूर्ख बनाया था। ऐसे कि एक बार क्या हुआ, पास के पहली बार क्या हुआ था, दावत देने के बहाने उनको वो नदी के किनारे ले गए और उनको बहुत पिला दिया और नाव पर ही छोड़ दिए। और दूसरी बार घर में खाना खाने के बहाने बुलाए और तवे पर छींटे मार रहे थे पानी के और उनको खाना बन रहा है बोल के बहुत बेवकूफ़ बनाया। और तीसरी बार वो बाग में बुलाकर लेखक ने मित्रों को सबक सिखाने के लिए क्या किया? लेखक ने मित्रों को सबक सिखाने के लिए उनको दावत देने के बहाने उनको ले गए। पो नेकीराम कौन थे? लेखक से उनकी भेंट कहाँ हुई थी? पो नेकीराम एक स्टेशन मास्टर थे। वो लेखक को अपने घर के रास्ते में जाते हुए भेंट हुई थी। अपने जीवन में मित्रों का स्थान बताइए। अपने जीवन में अच्छे मित्रों का स्थान ऊपर होना चाहिए और जो मतलब के मित्र होते हैं उन्हें कभी नहीं देखना चाहिए। कहानी की मनपसंद प्रसंग को व्याख्या कीजिए। जो आपके कहानी में जो आपको अच्छा लगता है उसको आपको लिखना है। कौन सा स्थान लेखक को स्वर्ग सा प्रतीत हो रहा था? वो जो टंकी के नीचे की दुनिया। मित्रों का साथ किन किन का स्रोत होता है? मित्रों का साथ हंसी मजाक का स्रोत होता है। देखो, इस वर्ग पहली से निम्नलिखित वर्गों के अक्षर छांट कर लिखो। क वर्ग के क ख क, यहाँ से आपको छांट कर लिखना है। क वर्ग के, च वर्ग के, त और प वर्ग के लिखना है। देखो, विशेषण तथा तुलनात्मक अवस्था। मूल अवस्था, मूल अवस्था व्यक्ति वस्तु को गुण और दोष के बताती है। मूल अवस्था क्या बताता है? व्यक्ति वस्तु के गुण और दोष के बारे में बताता है। उत्तरावस्था, उत्तरावस्था दो व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना करके उनके गुण या दोष को बताती है। उत्तमावस्था, उत्तमावस्था व्यक्ति और वस्तु में सबसे श्रेष्ठ अवस्था की ओर संकेत करता है। जैसे उदाहरण, महान मूल अवस्था, महान्तर उत्तरावस्था, महानतम उत्तम अवस्था। जैसे महानतम सब लोगों के में सबसे महान व्यक्ति को किया जाता है। देखो, उदाहरण के अनुसार विशेषण के तीनों अवस्थाएं लिखिए। गुरु,